हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सोफी स्मार्ट ट्रिक। आज हम आपको बताएंगे जो जीके का क्वेश्चन है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, स्टैटिक जीके भी हम कह सकते हैं, जो सीएजीएसएल के करंट अफेयर के क्वेश्चन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखते हैं क्वेश्चन। द एडवांस वेदर सेटेलाइट हिमावरी 9 वॉज लॉन्च बाई हुच कंट्री। ये जो हिमावरी 9 है ये बेसिकली जापान ने लॉन्च किया था, जो फर्स्ट सैटेलाइट था हिमावरी, और अब तक 8 सैटेलाइट के अंदर हिमावरी 8 लॉन्च किया था इन्हें 2014 में, और ये किया है नवंबर 1, 2016 में किया है हिमावरी 9। आगे बढ़ते हैं। टियानलियन I-04 इज द सैटेलाइट बिलोंग टू व्हिच कंट्री। ये बेसिकली बिलोंग करता है चाइना। ये 3C कैरियर रॉकेट है, ये सियोचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट एम्फीबियस एयरक्राफ्ट AG-600 और सो नॉन एज TA-600 बाई हुई कंट्री। ये था चाइना। हुई सुपर क्लस्टर वॉज फाउंड बाय द एस्ट्रोनॉमर इन December 2016। ये भेला है। ये बोलते हैं, हुज स्पेस एजेंसी लॉन्च स्पेस गार्बेज ट्रक इन टू द ऑर्बिट टू क्लीन अप स्पेस डेब्रिज। ये जासा, जो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, ये टेनागासिमा से December 9 में जो छोड़ा गया था, जो स्पेस गार्बेज ट्रक स्पेस में जो जंक है कलेक्टेड टू क्लीन अप द स्पेस डेब्रिज। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस फ्यूल्ड बस इज इंट्रोड्यूस इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। ये है केरला, जिसका कैपिटल है त्रिवनंतपुरम। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट फुल्ली वॉर्न सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन अब्रॉड ओपन इन द विच कंट्री। ये चाइना है। चाइना लॉन्च ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड मॉनिटोरिंग सैटेलाइट अंडरस्टैंडिंग द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के लिए जो चाइना एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च किया था, उसका नाम है टनसेट, जो उसका एप्लीकेशन है अर्थ साइंस से, जो ऑपरेटर करता है वो एक कैस मीन्स चाइनीज एकेडमिक ऑफ साइंस, और कॉन्ट्रैक्टर से CAS मीन्स ये है चाइनीज एकेडमिक साइंस, एंड सीमित मीन्स शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इनमें जो इक्विपमेंट है वो कार्बन स्पेस एंड CAPI मीन्स क्लाउड एंड एरोसोल पोलारीमेट्री इमेजर। जो इसका पावर है 2 डेवलपेबल सोलर एरेज बैटरीज, लाइफ टाइम है 3 इयर्स, एंड इसका जो वजन है ये 500 kg है। ये ऑर्बिट में 92.8 डिग्री में रोटेट करता है। आगे बढ़ते हैं। एंड एडवांस वेदर सैटेलाइट गोज आर वॉज लॉन्च बाई हुई स्पेस एजेंसी। इसका जो आंसर है ये है नासा, जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए वेदर सैटेलाइट भेजा गया है। ये गोज आर, ये गोज आर का जो मीनिंग है ये गैस स्टेशनरी ना जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट आर, जो लॉन्च किया है नासा ने। ये किया है नवंबर 2016 में, जो केप कनावेरल एयर फोर्स स्टेशन इन फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है। इसमें से कौन सा इंडिपेंडेंट रीजन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिया। ये है IRNSS, जो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। आज हम इतना ही अपलोड किया है, जो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही खास है, जो इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करने में मत भूलना।